सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। बेहद अहम खबर इस वक्त की यमुनानगर से, मानव तस्करी का बड़ा खुलासा यमुनानगर में हुआ है। जी हां, मानव तस्करी का बड़ा खुलासा। 21 साल की पीड़िता को 7 जगहों पर बेचा गया। 10 साल से मासूम के साथ रेप हो रहा है। 10 साल से, आपको बता दें 2010 में पीड़िता का अपहरण किया गया था। 10 साल तक पीड़िता के साथ रेप होता रहा। ये मानव तस्करी का एक बड़ा खुलासा यमुनानगर में हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, हम ये सबसे पहले तस्वीरें आपको जनता टीवी पर दिखा रहे हैं। 2010 में पीड़िता का अपहरण हुआ था। काफी शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर 10 साल तक पहले एक लड़की का रेप होता रहा। महाराष्ट्र से मासूम का अपहरण हुआ था। आपको बता दें 10 जगहों पर मासूम को बेचा गया। हरियाणा हिमाचल तक जुड़े हैं तस्करी के तार। सुमित ओबेरॉय हमारे संवाददाता यमुनानगर से ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े हैं। जी सुमित, काफी शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया यमुनानगर से। जी बिल्कुल, ये मामला यमुनानगर में उजागर हुआ है, जिसमें एक पीड़िता सामने आई है और उसने बताया कि किस प्रकार से जब वो 10 साल की थी, वहां पर महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर में वो लोग रहते थे और वहां पर उसे किडनैप किया गया और उसके बाद हरियाणा, हिमाचल और हरियाणा के कई जिलों के अंदर उसको जो बेचा गया, उसके साथ दुराचार किया गया। और एक जगह पर करीब जो एक सपना नाम की महिला बताई जा रही है कि जो इस प्रकार का गोरख धंधा करती थी, वो उसको लेकर जब पहले हिमाचल के सोलन में, उसके बाद नारायणगढ़ में और इसी प्रकार से फतेहाबाद में, करनाल में, कई जगह पर उसको बेचा गया। और एक जगह पर जो एक धर्मवीर नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है फतेहाबाद में, वहां पर वो करीब 7 साल रही। उसके बाद उसके वहां पर दो बच्चे भी है। उसका कहना था कि जो सपना नाम की महिला थी वो हत्या के केस के अंदर 7 साल अंदर रही और उसके बाद फिर से उसने उसी को दोबारा से बेचने की कोशिश की और वहां से उसको ऑपरेशन करवाने की बात कहकर जगाधरी में लेकर आई और अपना परिचय दिया कि वह उस युवती की माँ है और उस वहां पर एक कमरा किराए पर लिया। लेकिन जब उसने दोबारा से उसको बेचे जाने की बात फोन पर सपना द्वारा किसी द्वारा किए जाने की सुनी, तो उसने अपने मकान मालिक को ये सब बताया और जिसके बाद ये पूरी बात उसने अपने मकान मालिक को बताई कि किस प्रकार से उसको कई बार बेचा गया और दुराचार किया गया और महाराष्ट्र से जब वो महज 10 साल की थी और अब वो 21 साल की हो चुकी है, तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार से दर्दनाक ये 10 साल रहे होंगे। और इस बीच उसने अपने पिता को भी खो दिया और एक भाई की भी मौत हो चुकी है। फिलहाल मामला यमुनानगर पुलिस के संज्ञान में जब पहुंचा, तो महिला थाने में 0 FIR दर्ज की गई और महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में संपर्क किया गया और ये जानकारी मिली कि वहां पर भी 2010 में इसके परिवार द्वारा जो गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पर लिखवाई गई थी। और महाराष्ट्र पुलिस अब यमुनानगर पुलिस से संपर्क करेगी और पूरा मामला जो ये सामने आया है उसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। इस मामले में क्या सच्चाई निकल कर आती है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ और जानकारी आपसे लेंगे। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, उससे दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। मामले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। दरअसल इसी मामले पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफी दर्दनाक, शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कंवरपाल गुर्जर का इस पर कहना है कि मामले में महाराष्ट्र पुलिस का भी लेंगे सहयोग। दरअसल महाराष्ट्र से इस बच्ची को जो है अगवा किया गया था और इस मामले में अब कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का एक बयान सामने आया है। देखिए, जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लड़की जिस प्रकार से जानकारी देगी, निश्चित तौर से हम महाराष्ट्र पुलिस की भी मदद लेंगे, वहाँ से भी जानकारी लेंगे और निश्चित तौर से जिन लोगों ने अपराध किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये अगर जानकारी में मिलेगी तो कोई भी होगी और ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि उनके मान सम्मान की रक्षा करना। और अगर कोई भी ऐसा अपराधी है जो इस प्रकार का काम करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए सुमित, वापस आपके पास लौटूंगी। कंवरपाल गुर्जर का इस पूरे मामले पर कहना है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन मामला काफी दिल दहला रहा है। जी बिल्कुल, मामला दिल दहला देने वाला है। और जैसे ही जब मीडिया ने इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात की, तो उनका यह कहना था कि ये जो मामला सामने आया, फिलहाल यहाँ पर 0 FIR महिला थाने में दी गई है, उन्हें जो जानकारी मिली है। और उनका यह कहना है कि जिस प्रकार से पूरी बात कही जा रही है और एक दर्दनाक जो कहानी बताई जा रही है, इस मामले के तार महाराष्ट्र से और हरियाणा तक जो जुड़े हैं, तो उनका कहना है कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र पुलिस और हरियाणा पुलिस पूरा सहयोग करेगी ताकि किसी और बच्ची के साथ इस प्रकार का ना हो सके। और जो भी ये नेटवर्क है और जो भी इसके दोषी हैं, उनको कड़ी सजा यहाँ पर मिल जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से इन्होंने ऐसा आश्वासन यहाँ पर दिया है, लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि महाराष्ट्र पुलिस और हरियाणा पुलिस इस पूरे के पूरे मामले की गुत्थी को कैसे सुलझाती है और जो दोषी है वो कैसे सलाखों के पीछे जाते हैं। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर पीड़िता का भी एक बयान सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुनिए। 11-12 10-11 साल की थी लगभग,
मैं अपने फ्रेंड के घर खेल रही थी, वहाँ से खेलते खेलते मंदिर में चली गई और मंदिर में वहाँ पे मुझे जानवी नाम की औरत मिली और वो औरत मुझे प्रसाद दिया उसने, मुझे मैंने उसे खा के मैं बेहोश हो गई। वो मुझे फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पे घड़ी गांव में थी नारायणगढ़ में, वहाँ पे सपना नाम की लेडीज से लेडीज़ को मुझे भेज दिया उसने जानवी ने, वहाँ पे फिर से करनाल ले गई, एक आदमी को भेज दिया और उसका उसकी उम्र है 45 साल होगी शायद।